A very good morning to everyone. The editorial that we have got for discussion today is related to IPL. And this is known to everyone if you are interested in cricket that this title was won by Gujarat Titans this time. This is a matter of taking pride for Gujarat Titans because it is a debutant team winning a trophy. The same thing when in 2008 when IPL was started, that very time Rajasthan Royals won the match. In this very editorial, we shall discuss the situation in IPL. At the same time, we shall try to learn many of the important words or phrases that have been used in this very editorial. One more thing I would like to point out to you all, the topic which is related to sports are very tough to understand because many of the symbolic words are used. If you try to find out the real meaning of that very word, you will get different meaning. Hence, you will have to learn or understand this editorial carefully. So let me start with the title. Title is Born to Win. Born matlab jeetne ke liye hi janm hua hai. यानी आपको पता है कि गुजरात जो है आईपीएल के इतिहास में एक ऐसी टीम है जो एक नई टीम है, इस साल ही लॉन्च हुई है और इसका जन्म हुआ और जन्म के साथ ही इसने जीत दर्ज कर ली, यानी इसलिए इसका टाइटल दिया गया बॉर्न टू विन। आइए आगे बढ़ें। इस एडिटोरियल में बात क्या होगी? ऑन गुजरात टाइटन्स मेडन विन एट आईपीएल 2022। इस एडिटोरियल में बात होने वाली है गुजरात टाइटंस की जो मेडन जीत हुई है, यानी पहले भी बारी आई और जीत के दर्ज कर ली, उस जीत के बारे में हम लोग बात करेंगे इस एडिटोरियल में। आगे देखते हैं। डिस्पाइट द ड्रॉप इन टीआरपीस, द आईपीएल सीम्स टू सेट फॉर अ लॉन्ग रन विथ टॉप नॉच क्रिकेट। इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपको पहले ध्यान देना है कि डिस्पाइट के बावजूद, टीआरपी का मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम जो होता है जो टीवी पे आता है उसको कितने लोग कितने घंटों तक देखते हैं, यानी उसी के आधार पे टेलीविज़न की रेटिंग तय की जाती है। और इस बार के आईपीएल की बात करें तो इसके टीआरपी में क्या देखने को मिला? ड्रॉप देखने को मिला, यानी बहुत कम लोग आईपीएल में इंटरेस्टेड थे इस समय, यानी कम लोग देख रहे थे इसको। लेकिन कह रहा है कि टीआरपी में ड्रॉप के बावजूद भी आईपीएल सीम्स टू सेट फॉर अ लॉन्ग रन विथ अ टॉप नॉच क्रिकेट। टॉप नॉच का मतलब होता है उत्कृष्ट, यानी बहुत ही शानदार क्रिकेट, उच्च दर्जे का क्रिकेट। यानी टीआरपी में ड्रॉप के बावजूद भी एक उत्कृष्ट क्रिकेट देखने को मिला और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी, लॉन्ग रन का मतलब जो आने वाला समय में भी एक कंटिन्यू रहेगा। अ डेब्यूटेंट टीम, एक जो डेब्यू करने वाली टीम है, पहली बार जो नई टीम है, विनिंग ट्रॉफी इज़ अ यूनिक स्पोर्टिंग हाई, एक तरह का नया स्तर है स्पोर्ट का। गुजरात टाइटन्स डीड प्रिसाइजली का मतलब होता है कि यकीनन, दैट वाइल क्लिंचिंग द इंडियन प्रीमियर लीग, क्लिंच का मतलब होता है झपट लेना, यानी गुजरात टाइटन्स ने यकीनन एक करके दिखाया है आईपीएल को छीन करके, यानी जीत करके कहिए, टाइटल थ्रू अ क्लिनिकल डिस्प्ले अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स ड्यूरिंग संडेज फाइनल इन फ्रंट ऑफ अ डेलीरियस होम क्राउड एट अहमदाबाद। कह रहा कि गुजरात टाइटन ने यकीनन एक बहुत बड़ा काम किया है, क्या करके, आईपीएल प्रीमियर लीग को क्लिंच करके, यानी हड़प करके, झड़प करके, ऐसे कह सकते हैं, हालांकि वर्ड हड़प इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, जीत करके कहिए, है ना। किसके अगेंस्ट में? राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। कब की बात है? संडे में फाइनल मैच खेला गया था। किसके बीच में? डेलीरियस होम क्राउड एट अहमदाबाद। जैसा कि गुजरात टाइटन गुजरात से बिलोंग करता है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? इसके होम ग्राउंड में, कहाँ है? अहमदाबाद में। नाम क्या है स्टेडियम का? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है। डेलीरियस का मतलब क्या होता है? डेलीरियस का मतलब उत्साही, यानी
गुजरात टाइटंस ने यकीनन आईपीएल जीत करके एक बहुत बड़ा डिस्प्ले दिखाया है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। संडे को मैच हुआ था उसमें, और किसके बीच में, तो वहाँ के जो उत्साही जनता थी, क्राउड थी, उसके बीच में लाखों लोग बैठे हुए थे। 114,000 के करीब जन वहाँ पर जनसमूह इकट्ठा हुई थी मैच देखने के लिए। समिट क्लैशेस एक्सेप्ट इन रेयर एपिसोड्स कैन बी टेपर्ड अफेयर्स डिस्पाइट ऑल द हाइप एंड द आईपीएल क्लाइमेक्स डिस्ड आउट अ लो स्कोरिंग टसल ऑन अ ड्राई सरफेस। समिट क्लैशेस, क्लैशेस का मतलब होता है दोनों के बीच में झड़प, यानी पूरे आईपीएल के द्वारा ना शिखर मतलब बहुत उच्च स्तर का क्लैश देखने को मिला। क्लैश मतलब झड़प, यहाँ पर यानी मुकाबला देखने को मिला। एक्सेप्ट इन रेयर एपिसोड कैन बी टैपर्ड अफेयर डिस्पाइट ऑल द हाइप एंड आईपीएल क्लाइमेक्स डिस्ड आउट अ लोअर स्कोरिंग टसल ऑन अ ड्राई सरफेस, यानी ये जो टसल चलता रहा पूरा, वो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिए जाए तो एक तरह का टैपर्ड अफेयर था, यानी एक गुनगुना अफेयर था। गुनगुना का मतलब क्या, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि इस जो मैच में जो आईपीएल का क्लाइमेक्स का जो मैच था, यानी सबसे ऊपर का मैच यानी फाइनल मैच था, उसमें क्या हो गया कि लो स्कोर पे डिश आउट हो गया, यानी ख़त्म हो गया। और ये लो स्कोर जो टसल था किसके ऊपर था, ड्राई सरफेस पर, यानी ऊपर नीचे जितना भी हुआ जो, लेकिन फाइनल जो मैच हुआ वो लो स्कोरिंग मैच था। बट क्रेडिट इज ड्यू टू द टाइटंस फॉर द रिमेनिंग द स्टैंड आउट यूनिट थ्रू द टूर्नामेंट दैट रिमेंड एंकर्ड इन मुंबई एंड पुणे बिफोर शिफ्टिंग बेस्ट टू कोलकाता एंड अहमदाबाद इन द कंक्लूडिंग स्ट्रेच। कह रहा है कि क्रेडिट लेकिन जाता है किसको जाता है, टाइटंस को, कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान यह स्टैंड आउट यूनिट की तरह काम की, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए रही, है ना, और हमेशा एंकर्ड रही, यानी एक तरह से अपने आप को क्या कर रही है कि समझाती हुई रही, अपने आप को सुगठित करती हुई रही, चाहे मुंबई हो, पुणे हो, कोलकाता हो, जितने भी मैचेज हुए हैं, यानी फाइनल में आने से पहले तक जितने भी मैचेज अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे हुई, वहाँ पे सुसंगठित अपने आप को रखा। द लीग ऑल्सो ऑफर्ड सम रिडेम्पशन फॉर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। रिडेम्पशन का मतलब होता है पाप से मुक्ति, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब पाप से मुक्ति नहीं। अब ये जो लीग था एक तरह से राहत वाली खबर है किसके लिए, हार्दिक पांड्या के, जो कि ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहा जा रहा था, क्योंकि ये इंजरी से लौटे थे, उनका जो फॉर्म था वो भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था, इसलिए सारे लोग हार्दिक पांड्या को लेकर के निगेटिव अप्रोच रखे हुए थे। उससे उनको मुक्ति मिल गई, रिडेम्पशन मिल गई, यानी जो लोग गलत राय रखते थे उनके बारे में उससे उनको मुक्ति मिल गई, रिडेम्पशन मिल गई। द टाइटंस कैप्टन, जो कि गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, यानी ये मैच उनको क्या दिलवा दी, मुक्ति दिलवा दी। ऑफन, अब देखिए ऑफन का मतलब होता है अक्सर, उनको किस तरह से देखा जा रहा था, वे डाउन, कम आंका जा रहा था, क्यों, क्योंकि बाय इंजरीज एंड द चैंपियंस विद कपिल देव, पांड्या फाइनली टर्न द कवर लीडिंग द टाइटंस विथ फाइनसी स्कोरिंग रिस्क रन्स एंड प्राइसिंग आउट वैल्युएबल विकेट्स लाइक ही डिड इन द फाइनल। यानी टाइटन के जो कैप्टन थे जिनको अलग कम आंका गया था इंजरीज के वजह से, और उनका तुलना हमेशा कपिल देव से भी किया जाता है, तो पांड्या जो हैं फाइनली टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है पाशा पलट देना, लिख लीजिएगा इसको, टर्न द कॉर्नर, यानी फाइनल मैच में अगर आप देखे होंगे तो इट इज़ ऑल अबाउट पांड्या। पांड्या के बारे में सब कुछ था उसमें, क्योंकि न केवल उन्होंने तेज़ी से रन बनाए बल्कि इन्होंने क्या किया कि महत्वपूर्ण 3 विकेट्स भी लिए थे। तो कहा गया पांड्या फाइनली टर्न द कॉर्नर्स, यानी पाशा पलट दिए, लीडिंग द टाइटंस विथ फैंसी बहुत अच्छे तरीके से। फैंसी का मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छे तरीके से लीड किया टाइटन को, स्कोरिंग रिस्क रन्स, तेजी, रिस्क का मतलब क्या हुआ, तेज रन्स बनाए, और क्या किया इन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट्स भी लिए फाइनल मैच में, जिसमें आपने देखा होगा कि जोस बटलर का, सिमरन हेडमायर का, और रॉयल चैलेंजर्स के जो स्कीपर हैं संजू सैमसन का, यानी जो कप्तान है उनका भी विकेट उन्होंने लिया। दो द आईपीएल लॉन्ग समर टाइटंस ऑलवेज हैड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस।
थ्रू है, यानी पूरे आईपीएल के दौरान टाइटन ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखे। चीपिंग इन विदाउट फेल, चीप इन का मतलब क्या हुआ, टू कंट्रीब्यूट, यानी चीप इन मतलब कंट्रीब्यूट, अपना जो योगदान दिया बिना फेल हुए। इन द फाइनल टू फाइनल में भी प्लेयर्स कटिंग अक्रॉस स्किल सेट्स एंड नेशनलिटीज एक्सेल। कह रहा है कि जो प्लेयर्स थे जो कि अलग अलग जगहों से थे, वो क्या किए वहाँ पे, नेशनलिटीज वगैरह कोई मतलब वो अलग अलग तरीके से काम आया। जैसे कि आप राशिद खान देखेंगे कि यहाँ से नहीं है, फिर भी वो एक नाइट होकर खेले। उसके साथ देख सकते हैं बैटर्स जो शुभमन गिल्स थे, डेविड मिलर थे, हार्दिक पांड्या 2 इज 34, हार्दिक पांड्या भी 34 रन बनाए। फॉर रॉयल्स, रॉयल के लेकर अगर बात करें, देर वर एक्सेप्शंस अबाउट टीम रेसलिंग द कप एज अ ट्रिब्यूट टू द फर्स्ट इट्स फर्स्ट कैप्टन लेट शेन वॉन। अगर गुजरात टाइटन की बात करें तो इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के लोग, अलग अलग सोच के लोग इसमें थे और सारे ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हार्दिक पांड्या ने भी 34 रन का स्कोर रन बनाए थे। अब रॉयल की बात करें तो इसमें एक एक्सेप्शंस था, टीम चाहती थी कि ये कप जीते, किस तौर पे एक ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि के तौर पे जो कैप्टन शेन वॉर्न को देना चाहेगा। आपको ये बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स जो है 2008 जब से आईपीएल शुरू हुआ था तो पहला विनर यही था, रॉयल चैलेंजर नहीं, ये राजस्थान रॉयल्स, तो राजस्थान रॉयल्स जो था पहला विनर था 2008 के आईपीएल का, और उस समय यहाँ के कैप्टन कौन थे, शेन वॉर्न। और शेन वॉर्न की इस बार थोड़ा दुर्घटना में मौत हो गई, ये भी आप जानते होंगे, उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पे टीम जीत करके देना चाहती थी। यानी अगर टीम जीत जाती राजस्थान रॉयल्स तो एक श्रद्धांजलि होती लेट शेन वॉर्न के लिए, टीम चाहती थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जानते हैं आप क्यों। आगे देखा जाए, हाउएवर, हालांकि स्पोर्ट डज नॉट इंटायरली टाइड ऑन इमोशन। कह रहा है कि स्पोर्ट जो होता है, खेल जो होता है, वो इमोशन पे काबू नहीं पा सकता है, राइड ऑन मतलब चलता है, इमोशन पे नहीं चलता है। एंड रॉयल्स स्टम्बल्ड एट द लास्ट स्टेप, और जो रॉयल चैलेंजर्स थे, बार बार चैलेंजर्स मैं बोल रहा हूँ, राजस्थान रॉयल्स थे, वो स्टम्बल मतलब लड़खड़ा गए थे लास्ट स्टेप में, यानी फाइनल मैच में। बट देर वॉज नो शेम एज द स्क्वाड डिड रिमार्केबली वेल अंटिल द फाइनल विथ बटलर लीडिंग द रन चार्ट्स। कह रहा है कि ये कोई शेम वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के ही एक बहुत बड़े खिलाड़ी जिनका नाम है बटलर, और रन के चार्ट में रन सबसे ज़्यादा बनाने वाले, स्कोरिंग सबसे ज़्यादा कौन है, बटलर रहे, यानी बटलर को यह अवार्ड मिला जो कि राजस्थान रॉयल्स से थे। स्कोरिंग टर्न्स अमंगस्ट एट विल। रॉयल्स लास्ट वोन द टाइटल ड्यूरिंग 2008, राजस्थान रॉयल ने पिछली बार 2008 में जीता था, इनॉग्रल एडिशन था, ये पहला एडिशन था आईपीएल का। एंड द लेटेस्ट कमबैक ऑगस्ट वेल, और जो हाल फिलहाल में जो कमबैक हुआ है, ऑगस्ट वेल का मतलब होता है शुभ संकेत देना, तो सैमसंग के जो टीम है उसके लिए एक शुभ संकेत है, 2008 के बाद ये फाइनल में पहुंचने वाला है, और एक शुभ संकेत है सैमसंग जो है, संजू सैमसंग की जो टीम है उनके लिए। अनदर डेब्यूटेंट यूनिट, एक और डेब्यूट इस बार कर रही थी आईपीएल में, उसका नाम था लखनऊ सुपर जायंट्स, ऑल्सो परफॉर्म्ड फाइन टू बुक अ लास्ट 4 स्लॉट। इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और पिछले 4 जो स्लॉट था, यानी आपने देखा होगा क्वार्टर फाइनल में पहुँच गया भी था, क्वालिफायर में भी ये भी छठा। That Titans and Giants stayed the course allayed those fears about a bloated league with 10 teams. अब इसमें क्या हो गया कि जब ये नई टीम आई थी Titans और Giants आई थी, यानी लखनऊ सुपर Giants आई थी, तो ये थोड़ा शांत नज़र आ रहे थे, लोग इसके प्रति नहीं देख रहा था, क्योंकि इस बार जो डर था कि ये लीग जो होगा पूरी तरह से ब्लोट हो जाएगा, है ना, इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि 10 टीम शामिल हैं इस बार और 2 नए टीम्स शामिल हैं। थ्रोइंग अप फॉरगेटेबल क्रिकेट, लेकिन इसने क्या किया, एक अलग ऐसा क्रिकेट छोड़ करके गया जिसको भूलना मुश्किल है।
इंस्टीड इट वॉज द एस्टैब्लिश्ड बेहमंस फॉर्मर चैम्पियन मुंबई इंडियंस एंड डिफेंडिंग चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स दैट एट हम्बल पाई एंड रिटरेटेड द सरप्राइज फैक्टर इन स्पोर्ट। कह रहा है कि एक बहुत बड़ा बेहमोत का मत होता विशाल, जैसे फॉर्मल चैम्पियन रही है मुंबई, कई बार जीती है, वहीं सुपर किंग्स जो डिफेंडिंग चैम्पियंस थी, लास्ट का जो था 2021 का वो आईपीएल किसने जीता था, चेन्नई सुपर किंग्स ने, जो कि डिफेंडिंग चैम्पियन थे इस बार, उनको मुंह की खानी पड़ी। हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है हार जाना, यानी मुंह की खानी पड़ी। और एक बार बार सरप्राइज, रिट्रेटर का मतलब होता है लगातार बार बार सरप्राइज फैक्टर देखने को मिला स्पोर्ट में। आपने देखा कि जो बार बार जीतने वाली टीम इस बार पूरी तरह से हार गई और बुरे तरह से हार गई, जिसमें मुंबई है, चेन्नई सुपर किंग्स जो डिफेंडिंग चैम्पियन भी रही है, 2021 की विनर थी, जो इस बार मुंह की खानी पड़ी उसको। इंडियाज़ ब्लू चिप बैटर्स, ब्लू चिप बैटर्स का मतलब होता है जो कि बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं उनको कहा जाता है, जो एफ्लुएंट होते हैं, रिच होते हैं, बहुत बड़ा नाम जिसका है, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, हैड अ हॉरर रन, इनको बहुत कम रन मिला, वाइल द सक्सेस ऑफ रुकी स्पीडेस्टर उमरान मलिक, सबसे तेज गेंदबाज हैं ये, हालांकि 156-157 तक एक 157 की इनकी स्पीड थी, लेकिन लॉकी फॉर्ग्यूसन फाइनल मैच में 157.30 या कुछ ऐसा फेंक, इतनी रफ्तार से फेंक दिया जिसकी वजह से उनको ये वाली जो प्राइज़ मिलती है सबसे तेज गेंदबाजी का, उनको चला गया। देख, उमरान मलिक हैं, स्पिनर चहल को देख लें, वेटरन दिनेश कार्तिक को देख लें, ये सारे कुछ ऐसे लोग थे जिनको इग्नोर कर दिया गया था, अपनी टीम से हटा दिया गया था, लेकिन वो फिर से चमक गए इस बार। अहू ब्लीज्ड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 183.33, दिनेश कार्तिक जिसको सारे लोग इग्नोर करते रहे, दिनेश कार्तिक ने अपने क्रिकेट पे अच्छा मेहनत किया और इस बार का उनका स्ट्राइक रेट अगर देखें तो 183.33 रहा। रिवील दैट होप इज इंट्रेंसिक टू द लीग, यानी जो उन ये रिवील करता है कि उनकी जो इच्छा है अभी भी इस लीग में क्या है, आंतरिक तौर पे शामिल है। इन अ ईयर दैट विल विटनेस द ICC 2020 वर्ल्ड कप, एक साल में आप देखेंगे कि ICC 2020 वर्ल्ड कप होगा। द लीग वॉज अ सिलेक्शन प्रीमायर, एक तरह से एक जो लीग था वो सिलेक्शन का एक प्रीमायर था, यानी इसको देख करके ही सिलेक्टर सिलेक्ट करेंगे कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट अ फ्यू वरीज रिमेन एंड दोज आर सेंटर्ड ऑन IPL's कॉमर्शियल हेफ्ट, लेकिन फिर भी इसको लेकर कई चिंताएं हैं जो कि जो रिलेटेड है IPL में जो कॉमर्शियल हेफ्ट है उसको लेकर के, यानी कॉमर्शियली तरीके से इतना इसको लेन देन में जो जटिलता है उसको लेकर के। ड्रॉप इन TRPs hints at situation with the event and organizers need to find ways to get back over viewership, जो TRP में जो कमी आई है IPL की वो हिंट करता है कि इस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे व्यू प्रदान किया जाए, यानी व्यूअर्स को इसके तरफ अट्रैक्ट किया जाए, इसके ऑर्गेनाइजर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। अदर देन दैट, इसके अलावे द लीग इज़ हियर टू स्टे विद 10 टीम्स टू बुट, और इसके अलावे जो 10 टीम अभी जो है वो रहेगी इस लीग में, ये आपको समझना है। तो ये आपने देखा IPL की कहानी, आप जानते भी होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। अब देखते हैं एक कॉमन एरर, दूसरा कॉमन एरर मैं नहीं बना पाया तो अभी एक ही देखते हैं। स्पोर्ट डज नॉट इंटायरली टाइड्स ऑन इमोशन एंड रॉयल्स स्टम्बल्ड एट द लास्ट स्टेप, इसमें जो कॉमन एरर है वो आपको देखना है, और यहाँ जो कॉमन एरर है आपको समझना है कि किसी भी सेंटेंस में डज नॉट लग गया तो फिर राइट्स नहीं होगा, राइट होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।